हेलो बच्चों, हीट एंड एनर्जी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है प्लीज एक बार देख के आ जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये सब पढ़ा रखा है इसके प्रीवियस वीडियो में हीट एनर्जी के, उसको आप देखेंगे तो ही आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। लिक्विड्स जनरली एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। देखो, जितने भी लिक्विड होते हैं बच्चों, सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग वॉइस आ रही है उसके लिए। देखिए, जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो जनरली मतलब नॉर्मली हम देखते हैं कि वो हीट करने पर एक्सपेंड होते हैं। मतलब अगर आप लिक्विड को गर्म करो तो वो फैलेंगे, और उनको ठंडा करो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब वो सिकुड़ जाते हैं, या आप कह सकते हो कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं होता है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों नहीं होता है, हमने देखा है, हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी जो है वो एक्सपेंड करता है और बाद में वो एयर में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको ठंडा करते हैं तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कहने ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैं बताता हूँ कि वाटर इज अ लिक्विड विच डज नॉट बिहेव लाइक अ नॉर्मल लिक्विड। तो वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो नॉर्मल लिक्विड जैसा बिहेव नहीं करता है। ठीक है ना, अभी बताता हूँ ऐसा क्यों होता है ये तो आप आगे पढ़ेंगे, बट ऐसा कैसे होता है वो आप देख लीजिए। ठीक है ना, क्या होता है इसमें, तो बच्चों वाटर के साथ ये होता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान से सुनना मेरी बात, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो वॉल्यूम होता है वो सबसे कम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। समझ में आ रहा है? ठीक है, वन सेकेंड। वाटर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वॉल्यूम सबसे कम होता है, मतलब 4 डिग्री पर वाटर सबसे ज्यादा सिकुड़ता है, आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता है सबसे ज्यादा। समझ में आ गया? अगर 4 से वापस 3 कर देना, मतलब अगर 4 से कम करें टेम्परेचर 3 डिग्री 2 डिग्री, तो वहां पर वो एक्सपेंड होने लगता है। मतलब हम देखो टेम्परेचर कम कर रहे हैं, 4 डिग्री पर सबसे कम है, अगर हम 4 से टेम्परेचर कम करके 3 कर दें फिर भी हम देखते हैं कि वो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ने लगता है, मतलब वो एक्सपेंड करता है। 4 से 3 करें या 3 से 2 करें या 2 से 1 भी कर दें या फिर 0 भी ले जाएं, समझ में आ रहा है? तो हम देखेंगे कि वो एक्सपेंड ही करता जा रहा है। ठीक है ना, आपने कई बार देखा होगा कि बर्फ जो होता है, आइस का जो टुकड़ा होता है, वो पानी में डालने पे वो पानी में तैरता है, वो पानी में डूब नहीं जाता। रीजन क्या है कि जब आइस को पानी के अंदर डालते हैं बच्चों, तो वो आइस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री होता है, और वो पानी का टेम्परेचर, आसपास का जो पानी है, जो उस आइस के आसपास का पानी होता है, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री पहुंच जाता है, और 4 डिग्री होने की वजह से उस टाइम उसकी डेंसिटी उस आइस की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाती है, और इसकी वजह से वो आइस उसमें डूबता नहीं है। इसको हम भी आगे पढ़ेंगे, अभी हम समझाएंगे इस चीज़ को, आगे यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बारे में यहाँ पर आगे बातें हुई हैं। बट मैं आपको हल्का सा एक जो नॉलेज की 4 डिग्री पर उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है किसकी, वाटर की, या वॉल्यूम कह सकते हैं सबसे कम होता है। ठीक है ना, तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे देखने वाले हैं। कंसीडर अ फ्लास्क कंटेनिंग 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक फ्लास्क है जिसमें 1000 ग्राम ऑफ वाटर है और उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। द फ्लास्क इज फिटेड विद अ वेरी फाइन कैपिलरी ट्यूब। इसमें एक कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है, आपको दिख रहा हो तो ये, ठीक है ना, एंड अ हाईली सेंसिटिव थर्मामीटर, और इसमें एक हाईली सेंसिटिव थर्मामीटर लगा हुआ है। ठीक है, इट इज फाउंड दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड बाई कैपिलरी ट्यूब इज 1000.14 cm³। ये वॉल्यूम है, ये इसका वेट है, 1000 ग्राम क्या है इसका वेट है, ये वेट है, और कैपिलरी ट्यूब क्या करती है, वॉल्यूम बताती है। तो 0 डिग्री पर इसके अंदर जो पानी भरा है जिसका वजन है 1000 ग्राम, उसका वॉल्यूम है 1000.14 cm³। बात समझ में आ रहा है? इफ द फ्लैश इज अलाउड टू वार्म अप, इस फ्लैश को हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, इट इज फाउंड दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब बाकी लिक्विड में क्या होता है कि जब आप चीजों को गर्म करते हो, लिक्विड को गर्म करते हो, तो आप देखते हो कि लिक्विड को गर्मी मिलती है वो एक्सपेंड करने लगता है,
लेकिन 0 डिग्री पर ये वाटर, इसको जब आप वार्म अप करते हो, गर्म करते हो, तो आप देखते हो कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टार्ट डिक्रीजिंग, मतलब वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। और कब तक हो रहा है? अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ रहा है। एट 4 डिग्री सेल्सियस इसका वॉल्यूम हो जाता है 1000 cm³। जब 0 डिग्री था तो इसका वॉल्यूम था 1000.14, समझ में आ रहा है। लेकिन 4 डिग्री पे हो जाता है 1000, मतलब 0.14 की कमी आ गई। फर्दर ऑन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, अच्छा 4 डिग्री के बाद जब वापस हम टेम्परेचर को बढ़ाने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका वॉल्यूम अब वापस बढ़ना शुरू हो गया है। मतलब 4 डिग्री तक वो एक अजीब सा बिहेव करता है कि टेम्परेचर देने के बाद भी वो सिकुड़ता ही जा रहा है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन 4 डिग्री के बाद जब हम टेम्परेचर देना शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर देते हैं वैसे वैसे उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, और 10 डिग्री पर आते आते उसका वॉल्यूम 1000.27 हो जाता है, समझ में आया। 0 डिग्री पे 1000.14 था और 10 डिग्री पे 1000.27 cm³ हो जाता है, और 4 डिग्री पे सबसे कम 1000 cm³ करता है, बात समझ में आ रहा है। ये वो फ्लैस्क है, इसको आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। दस वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज इफ वी हीट और कूल इट, प्रोवाइड इनिशियली द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कि अगर वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है, कोई भी वाटर है जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो तुम उसको गर्म करो या ठंडा करो, समझ में आ रहा है, वो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा ही, क्योंकि 4 डिग्री पे सबसे कम होता है। अगर 4 से 3 किया, 2 किया, तब भी वॉल्यूम बढ़ना ही बढ़ना है, क्यों? क्योंकि 4 डिग्री पे सबसे कम होता है। 4 से ज्यादा भी किया, 5 किया 6 किया, तभी बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये एक अजीब सा इसका बिहेवियर है, इसी को हम लोग बोलते हैं एनामलस एक्सपेंशन। एनामलस का मतलब भी होता है अजीब व्यवहार, ठीक है ना। एक्सपेंशन मतलब होता है फैलना, तो वाटर की जो एक्सपेंशन का एक अजीब व्यवहार है, इसी को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया। तो 4 डिग्री पर सबसे कम होता है, 4 डिग्री से कम भी किया, मतलब 4 डिग्री पर जो वाटर है उसका तुमने टेम्परेचर लिया या उसको दिया, दोनों ही कंडीशन में तुम देखोगे कि उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता ही जा रहा है, और इसी को हम बोलते हैं एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, समझ में आ गया। यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, आपको क्लियर दिख रहा हो तो, थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है। सो द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट एनामलस एक्सपेंशन दिखा रहा है, मिनिमम वॉल्यूम एज 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मैक्सिमम डेंसिटी एज 4 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे 4 डिग्री दिख रहा है, 4 डिग्री पे आप देखेंगे कि इसका ये जो ये वॉल्यूम है, ठीक है ना, वॉल्यूम है, और ये सबसे कम 1000 पॉइंट जो कहाँ पे है, 4 डिग्री पर। 4 से जब टेम्परेचर 3 पे ले गए तो वॉल्यूम बढ़ गया, देखो आप ध्यान से, वॉल्यूम पॉइंट यहाँ दिखा रहा है, ये हल्का सा बढ़ा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं। अच्छा 2 पे ले गए तो और बढ़ गया, 1 पे तो और बढ़ गया, 0 पे भी बढ़ गया, और 4 के बाद 5 किया तो भी बढ़ गया, 6 किया तो भी बढ़ गया, 7, 8, 9, 10 पे यहाँ तक बढ़ गया, बात समझ में आ रहा है क्या। ये आपका आ गया, यहाँ 10 पे आ जाता है 1000.27, ये यहाँ पे आप बढ़ाओगे तो यहाँ पे 27 के आसपास नहीं आ रहा है, सब बात समझ में आ गया। तो ये है एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों होता है, ये बिहेवियर आपने जान लिया, लेकिन ये होता क्यों है, आखिर इसका रीजन क्या है, वो आप पढ़ेंगे 11th में, ये चीज 10th में भी नहीं है, सीधे 11th में है, वहां पे आप ध्यान से पढ़ेंगे, वहां समझाया जाएगा ऐसा रीजन क्या है, ठीक है, सिर्फ वाटर में ऐसा क्यों होता है, बाकी में ऐसा क्यों नहीं होता, बट ये चीज एग्जाम में काफी आता है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर आप ध्यान से इसको समझिएगा, नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे होप्स एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा लंबा है ये, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ। ओके, थैंक यू।